सभी बाड़मेर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले 3 दिनों में विपरजॉय का जो साइक्लोन था वो हमारे ज़िले से निकला, हमारे ज़िले के बहुत सारे हिस्सों को प्रभावित किया, खासतौर से बाकासर, सेडवा, धोरीमना, चौटन, धनाऊ, उसके बाद में बाड़मेर का कुछ हिस्सा और समदड़ी, सिवाना, मोकलसर, बालोतरा, इन सभी क्षेत्रों में हम सभी ने आवाम के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सोशल मीडिया के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से इसका भरपूर सामना किया और किसी प्रकार की कोई क्षति या मानवीय क्षति इस पर जो है हमारे सामने नहीं आई, उसका हमने अच्छे से उसका मुकाबला किया। लेकिन अब क्योंकि बरसात होने के बाद में पूरे क्षेत्र में सभी जगह पे जलाशय, तालाब, नाडियां, पोखर, इनमें पानी भर गया है और क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है और लोगों में, आम लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोग अपने आप को उस पर्यटक स्थल के रूप में उन स्थानों पर जा रहे हैं, वहाँ पे तैरने का प्रयास कर रहे हैं, नहाने का कर रहे हैं, बच्चे भी कुछ भी गए हैं और जा रहे हैं। कुछ एक घटनाएं इस प्रकार की हमारे सामने में आई है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी सहयोग करें, अपने सभी अभिभावकगण विशेष रूप से ध्यान दें, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनको किसी को भी किसी प्रकार के इस तरह के जहाँ भी जल एकत्रित हुआ हुआ है उस स्थानों पर जाने के लिए मना करें, समझाइश करें, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही जो उम्र में बड़े हैं, वयस्क हैं, युवा हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप इन स्थानों पर अभी पर्यटक स्थल के रूप में ना जाएं, उस तरह से गतिविधियां ना करें, वहाँ तैरने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि नया पानी एकत्रित हुआ है और कई जगह पे नीचे यदि तालाब में या नाडी में कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई किसी का पैर फंस सकता है, कुछ हो सकता है, तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। तो हमको एक विशेष रूप से इस बात की सावधानी रखनी है कि इस आपदा से हमने मुकाबला कर लिया है। अभी हमारे पूरे क्षेत्र में जो बरसात हुई है, जो पानी भरा है, वो एक सुखद संकेत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार की ऐसी दुर्घटना कारित नहीं होने पाए जिससे कि किसी भी मानवीय क्षति से हमको दो चार होना पड़े। मानवीय जीवन अनमोल है, हम सभी का दायित्व है कि आप सभी इसमें सहयोग करें और इस समय को संयम के साथ इस समय को निकालें। सभी उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, तहसीलदार गणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रकार से इस पूरे जिले में इस बात का प्रचार प्रसार करें, सभी लोगों को अवगत कराएं, ग्राम पंचायत वार मुनादी भी कराएं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे इस तरह से किसी भी जलाशय या जो जल भराव के क्षेत्र हैं या जहाँ तालाब नाली में पानी भरा हुआ है वहाँ पर नहाने के लिए या घूमने के लिए नहीं जाएं। और मैं साथ ही जिले के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी अपने स्तर पर इस प्रकार का प्रचार प्रसार कराएं, अपना संदेश जारी करें जिससे कि लोगों में इसकी जागरूकता रहे और किसी प्रकार की दुर्घटना से हम बच सकें। नदी, तालाब, नाले में यदि कहीं सड़कों पर पानी चल रहा है तो उसमें भी यदि आपको रात का समय है या उसकी गहराई का पता नहीं है तो अपना वाहन वहाँ न डालें जिससे कि कोई दुर्घटना कारित नहीं हो पाए।